कर दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेल्फ क्रिएशन। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप जो CFL और LED के जो कंपोनेंट हैं जिनको हम रिपेयर करते हैं, उनको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, उनका कैसे पता लगा सकते हैं कि वो ख़राब हैं या सही हैं। ठीक है, यही इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए मैं पहले LED के बारे में बता देता हूँ। LED के कंपोनेंट हैं कैपेसिटर, जिसे बोल देते हैं, जिसके अंदर लगे होते हैं। इनको हम सीरीज से या मीटर से चेक नहीं कर सकते, इनको हमें देख कर पता लगाना पड़ता है कि सही है ख़राब। देखो, आपको पता लगा होगा ये फूले हुए दोनों, तो ये दोनों ख़राब हैं। इनको हम ऐसे ही देख सकते बता सकते हैं ख़राब हैं। ठीक है, इन्हें अलग डाल देते हैं। अब ये देखिए, ये हैं सही कैपेसिटर, ये कहीं से फूले हुए नहीं है, एकदम न्यू है। और इनकी ना तो ये रबड़ निकली हुई है, जो ख़राब होते हैं उनकी रबड़ निकल जाती है, इनका ये कैप निकल कर बाहर भाग जाती है, फट जाती है, मतलब सब कुछ अलग अलग हो जाता है। ये सही है, ये न्यू है, बस इनको हम देख कर पता लग सकते हैं ये सही है या ख़राब है। जैसे कि मैं इसके अंदर दिखा दूँ आपको, ये जो LED बल्ब है इसके अंदर जो ये सही है, LED बल्ब को ज़्यादातर ये कैपेसिटर होता है। ठीक है ना। अब चलिए, अब दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, ये है PF। PF को हम चेक करेंगे, सीरीज पे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, ये कुछ नहीं बता रहा है। हाँ, सामने बल्ब रखा है, बल्ब जला कर दिखा दूँ, ये तेज़ जल रहा है ना, ये कुछ नहीं बताने के। अगर ये ख़राब भी है ना, तब भी कुछ नहीं बताने का। तो इनका हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, हम इसका पता लगा सकते हैं, ये जो है ना फट जाते हैं, इनकी ये साइड से कहीं से ही फट जाते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। LED में इनका हम पता लगा सकते हैं, LED का अगर के अंदर अगर ये ख़राब होते हैं तो ये LED जलाएगा नहीं, LED जलती नहीं है। आप सब कुछ देख लोगे, सब कुछ सही होगा, मगर ये PF की वजह से सब कुछ बेकार बताएगा। मतलब कुछ नहीं, अगर आपको LED में सब कुछ सही लगे तो आप बेझिझक इसका PF चेंज कर दें। और इसके अंदर एक फॉल्ट हो रहा है, कभी कभी LED बहुत मंदी जलती है, डिमर जलती है, तो उसका भी कारण PF होता है। ठीक है ना। चलिए, हम इस PF को भी निकाल देते हैं, अलग रख देते हैं। ये सही PF है, सही PF भी आपको ऐसे ही बताएगा, कुछ बताता नहीं है, बस PF फट जाते हैं उससे ये पता चलता है। ये सही PF है, नया PF है, सही है ये भी। अब आते हैं हम CFL के ऊपर। CFL के अंदर हमारा एक तो होता है मेन के अंदर, ये जो आगे PF लगा होता है ना, ये देखिए, ये जो PF ये वाले, ये PF अगर आप सीरीज से चेक करोगे तो ये कुछ नहीं बताने के, कुछ नहीं बताते। ठीक है ना। अगर ये ख़राब होगा तो ये ऐसा वाला छोटा वाला ख़राब होगा तो ये बल्ब जला देगा, इस तरह से बल्ब जला देगा। ठीक है ना, तेज़ बल्ब जलाएगा ख़राब होता है तो, सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी हम अलग रख देते हैं। ये हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ख़राब है, 10 ओम है, 1 ओम है, ये देखो उड़ी हुई है, ख़राब है। मैं चेक करते हैं, उड़ रही है, सीरीज लगाते उड़ रही है, वो उड़ गई, ये ख़राब है। और हम अब सही वाली रेजिस्टेंस लेते हैं, 10 ओम और 1 ओम, ये 10 ओम है, 1 ओम है, इसे हम चेक करेंगे तो उड़ेगी नहीं, बल्ब जला देना है तेज, ये बल्ब जला देती है। ओम में जितनी भी होती है ना, अगर आप ओम की रेजिस्टेंस को चेक करोगे तो आपको बस 22 ओम तक रेजिस्टेंस जो होती है उन्हें आप सीरीज से चेक कर सकते हो, ये 10 ओम में, ये भी बल्ब जला देगी। अगर इससे ज़्यादा में आपने अगर कुछ सीरीज लगाया तो वो रेजिस्टेंस उड़ जाएगी ओम वाली, आप बस मीटर से चेक कर सकते हो, इनकी वैल्यू आ जाएगी निकल के मीटर से, अगर आप चेक करते हो। ठीक है ना, ये सही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इस तरह से चेक होती है। ये K की रेजिस्टेंस है, ये 220 K की रेजिस्टेंस है, इसको अगर मैं मीटर से इस सीरीज से चेक करूँ तो सीरीज कुछ नहीं चलेगी, नई रेजिस्टेंस है। K वाली रेजिस्टेंस मीटर पर नहीं चलती, वो मीटर पर बस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता, सीरीज पे इसका कुछ नहीं बताया था। ठीक है ना। तो K की रेजिस्टेंस जितनी होती है वो बल्ब नहीं जलाती, ओम की रेजिस्टेंस बल्ब जलाती है, वो भी 22 ओम तक, उससे ऊपर अगर आप 22 ओम से ऊपर की कोई वैल्यू वाली रेजिस्टेंस होगी उसे आप सीरीज लगाओगे तो वो उड़ जाएगी। रेजिस्टेंस 4 तरह की आती हैं, एक तो क्वार्टर वाट, जैसे ये है क्वार्टर वाट, एक ये होती है जैसे हाफ वाट, ये हाफ वाट है, एक ये होती है 1 वाट, ये 1 वाट है, एक इससे ऊपर आती है 2 वाट, 4 तरह की रेजिस्टेंस आती हैं। अब ये देखिए, ये 22 ओम है, 22 ओम को मैं चेक करूँगा सही बताएगी, बल्ब तेज चलेगा, ज़्यादा देर लगाओगे तो ये इसके अंदर धुआं निकल जाता और
ज़्यादा देर लगाना नहीं, बस हमें चेक करना है नॉर्मली। ये देखिए ये है 4.7 ओम, ये भी ऐसी है, ज़्यादा देर आपको लगाना नहीं है, रेजिस्टेंस उड़ जाती है। अब आते हैं डायोड पे, डायोड की मैं वैल्यू बता दूँ आपको। डायोड आप चेक करोगे तो मीटर पर इसकी वैल्यू आएगी करीब 500 से ऊपर, 500 तक ही आती है। और सीरीज पर हम चेक करेंगे तो इस तरह से बताएगा, तो ये सही है, इस तरह से बता रहा तो ये सही है। अगर हम मीटर से चेक करते हैं तो इसकी 500-550 वैल्यू आती है, सही होता है उसके अंदर भी। अब आते हैं ट्रांजिस्टर पे, जो CFL के अंदर होते हैं, ये वाले, ये छोटे वाला है, किसमें बड़े होते हैं किसमें छोटे हैं, बड़ी सर्किटों में बड़े होते हैं, छोटा सर्किट है 15 वाट का, इसमें छोटा 3003 का, ये 3007 के ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। इनके चेक करने का बता दूँ, ये ख़राब वाले हैं, ये सही वाले हैं। अब मैं आपको सही और ख़राब में अंतर बता दूँ, आपको बल्ब पर ध्यान देना। हम इन दोनों लेगों पर लगाएंगे, बीच वाली, ये तो एक बीच वाली पे, मतलब तीन लेग हैं पर हमसे, पहली दूसरी तीसरी, हमें तीसरी पे नहीं लगाना, हमें पहली और दूसरी पे ही तार लगाना है। तो बल्ब तेज़ जल रहा है तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब हम सही वाले पे आते हैं, पहली और दूसरी पे लैग का हम लगाते हैं तो देखो बल्ब हिल रहा है, ये ट्रांजिस्टर सही है, ये भी सही है, और ये वाला ख़राब है। देखो इसके मैं पहली और दूसरी लैग पर तार लगाऊँगा, ख़राब है। इस तरह से दोस्तों हम कंपोनेंट चेक करते हैं। ये ट्रांसफार्म का फॉल्ट कभी आता है तो बड़े ट्रांसफार्म तो ज़्यादातर ख़राब नहीं होते, छोटे ट्रांसफार्म काले पड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। आप इन हाई वाट के सर्किट के अगर ट्रांसफार्म को चेक करोगे तो सही बताएगा, अभी बताएगा सही बताएगा। इनकी कभी कभी ये तो यहाँ से तार टूट जाते हैं, या ये टूट जाती है, कोर टूट जाती है, इस तरह से ट्रांसफार्म का फॉल्ट आता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।